Hello students, today we will study the second lesson of your course, your book Beehive, and the name of the lesson is The Sound of Music. Evelyn Glennie listens to sound without hearing it. So this is a story about Evelyn Glennie. It is a biography of Evelyn Glennie that is written by Deborah Cowley. And this lesson tells us about the challenge that Evelyn faces and how she has become a multi-percussionist. And so first let us talk about the challenge that she faced. The challenge that she faces in her life is that she cannot hear. उनके जीवन में एक चुनौती थी और उस चुनौती को फेस करते हुए उसका सामना करते हुए वो एक मल्टी पर्कशनिस्ट बनी. व्हाट इज़ अ मल्टी पर्कशनिस्ट इज़ अ म्यूजिशियन हु प्लेज पर्कशन इंस्ट्रूमेंट्स. ओके, सो पर्कशनिस्ट कौन होता है? वो व्यक्ति जो कि पर्कशन इंस्ट्रूमेंट्स को, यानी कि तबला या ड्रम्स जैसे इंस्ट्रूमेंट्स जिन्हें एक दूसरे ऑब्जेक्ट की सहायता से हिट कर बजाया जाता है ना, उन्हें पर्कशन इंस्ट्रूमेंट्स कहा जाता है. और जो पर्कशन इंस्ट्रूमेंट्स को बजाते हैं वो पर्कशनिस्ट कहलाते हैं. सो एवलिन इज़ अ मल्टी पर्कशनिस्ट. सो एवलिन जो है वो केवल एक पर्कशन इंस्ट्रूमेंट या ड्रम्स को या तबला इनको नहीं बजाती, पर बहुत सारे. शी प्लेस थाउजेंड्स ऑफ पर्कशन इंस्ट्रूमेंट्स है ना. सो हाउ शी बिकेम अ मल्टी पर्कशनिस्ट, दिस इज़ वॉट वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस लेसन. एंड वाई इट इज़ सो इंटरेस्टिंग टू रीड अबाउट हर इज बिकॉज ऑफ द चैलेंज दैट शी फेसेस. क्यों ये एक ये इस बात को समझना या इस बात को स्टडी करना एक इंटरेस्टिंग बात है, क्योंकि एवलिन जो है उनके जीवन में एक चैलेंज है, उनके जीवन में एक कमी है. वो कमी क्या है? शी कैन नॉट हियर, वो डेफ हैं. ओके, सो म्यूज़िक, व्हेन वी टॉक ऑफ म्यूज़िक, इट इज़ बेसिकली रिलेटेड टू हियरिंग. वी जस्ट थिंक अबाउट हियरिंग, राइट? बट डिस्पाइट बीइंग डिसेबल्ड टू हियर, एवलिन इज़ अ मल्टी पर्कशनिस्ट. सो हाउ शी ग्रू इन दिस टैलेंट, दिस इज़ वॉट वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस लेसन. सो लेट अस फर्स्ट टॉक अबाउट द चैलेंज. ओके, सो एवलिन वॉज नॉट डेफ बाय बर्थ. एवलिन जो है वो जन्म से बहरी नहीं थी. शी स्टार्टेड लूजिंग हर हियरिंग, सेंस ऑफ हियरिंग बाय एट द एज ऑफ 8. जब वो 8 साल की थी तब उन्होंने धीमे धीमे उनके सुनने की जो क्षमता है वो कम होती चली गई. एंड बाय द एज ऑफ 11 ईयर्स शी बिकेम कम्प्लीटली डेफ. और 11 साल की उम्र तक वो पूरी तरीके से बहरी हो गई थी. So how was it known to their parents that she cannot hear? कैसे उनके parents को पता चला कि वो सुन नहीं सकती हैं? Because she was a normal child till 8 years of age, right? So when she was 8 years of age and she was waiting for to play the piano, and when her name was called she did not respond, as if she did not hear anything. वो piano बजाने के अपने turn का इंतज़ार कर रही थी, और जब उनका नाम बुलाया गया तो उन्होंने कोई भी प्रतिक्रिया नहीं करी. वो ऐसे बैठी रही जैसे कि उन्होंने कुछ सुना ही नहीं. सो दिस मेड हर मदर अंडरस्टैंड दैट एवलिन इज़ नॉट एबल टू हियर प्रॉपरली ना. इससे एवलिन की मम्मी को पता चला कि एवलिन जो है उनको ढंग से सुनाई नहीं आता है. एंड टिल 11 ईयर्स ऑफ एज शी वॉज एबल टू हाइड फ्रॉम हर टीचर्स एंड फ्रॉम हर फ्रेंड्स दैट शी इज़ नॉट एबल टू हियर, शी इज़ डेफ. ओके, 11 साल की उम्र तक उन्होंने इस बात को अपने दोस्तों से, अपने शिक्षकों से छुपाए रखा कि उनको सुनाई नहीं देता है. बट आफ्टर 11 ईयर्स ऑफ एज द हर परफॉर्मेंस इन द स्कूल वॉज डिटीरियोरेटिंग ना. उनकी जो स्कूल में जो उनकी परफॉर्मेंस थी, यानी उनके मार्क्स जो थे वो ख़राब होते चले जा रहे थे. एंड दैट इज़ वाई द हेडमिस्ट्रेस आस्क्ड हर पेरेंट्स टू टेक हर टू अ स्पेशलिस्ट. उनकी हेडमिस्ट्रेस ने इसलिए उनके पेरेंट्स को कहा कि वो उन्हें एक स्पेशलिस्ट को दिखाएं. एंड व्हाट डिड द स्पेशलिस्ट एडवाइज हर पेरेंट्स? दैट शी शुड बी फिटेड विद हियरिंग एड्स एंड शी शुड बी सेंट टू अ स्कूल फॉर डेफ. जो स्पेशलिस्ट थे उन्होंने क्या सजेस्ट किया एवलिन के पेरेंट्स को? कि एवलिन को हियरिंग एड्स यानी सुनने की जो मशीन होती है वो लगाई जाना चाहिए, और उन्हें जो है जो बहरे बच्चों का स्कूल होता है वहाँ भेजा जाना चाहिए. सो द लाइफ चेंज फॉर एवलिन.
द थिंग्स वर नॉट द सेम फॉर एवलिन ना, बट शी वॉज नॉट डिस्करेज. तो एवलिन के लिए जो चीज़ें हैं वो अचानक से बदल गई है ना, बहुत उसको उनको जो है ना ख़राब भी लगा, पर उन्होंने इन इन सारी बात से निराश नहीं, शी वॉज डिटर्मिंड टू लीड अ नॉर्मल लाइफ. उनके अंदर ये इस बात का दृढ़ इच्छा शक्ति थी कि वो जो हैं एक साधारण लाइफ को, एक साधारण जीवन को जैसे दूसरे बच्चे जीते हैं वैसे ही जिएंगे. एंड ऑल्सो शी वुड परसू हर इंटरेस्ट इन म्यूज़िक. ओके, सो परसू, परसू मीन्स टू ट्राई टू अटेन, है ना, किसी चीज़ को प्राप्त करने की कोशिश करना, लगे रहना, है ना. तो उनका जो म्यूज़िक में, संगीत में जो उनकी रुचि थी, दिलचस्पी थी, उन्होंने वो उसमें लगी रहेंगी, उसको उसमें और आगे बढ़ेंगी, इस बात का उन्होंने दृढ़ निश्चय कर लिया था. सो बट द प्रॉब्लम वॉज द टीचर्स डिड नॉट इनक्रेज हर, ना, वहाँ उनकी जो टीचर्स थी वहाँ स्कूल में, उन्होंने उनको प्रोत्साहित नहीं किया इस बात में, क्योंकि सबकी यही सोच होती है कि म्यूज़िक के लिए, गाने के लिए, बजाने के लिए हमको सुनाई भी देना चाहिए. सो नो बडी इनक्रेज हर, एवरीबडी डिस्करेज हर. बट इट वॉज वन ऑफ हर म्यूज़िक टीचर्स हुज नेम वॉज रॉन फोर्ब्स एंड हु वॉज अ परकशनिस्ट. ओके, सो रॉन फोर्ब्स नाम के जो उनके एक म्यूज़िक टीचर थे, जो कि एक ड्रम्स बजाते थे, परकशनिस्ट थे, उन्होंने एवलिन के अंदर जो पोटेंशियल था, जो कैपेबिलिटी थी ना, जो उनकी क्षमता थी म्यूज़िक, एक म्यूज़िशियन होने के प्रति, उसको उन्होंने पहचाना. एंड व्हाट डिड ही एडवाइज हर एंड व्हाट डिड ही ट्रेन हर टू, ना, उन्होंने एवलिन को जो है ट्रेन किया इस बात में कि वो जो हैं कानों के अलावा का जो है म्यूज़िक को सुनने की, या बोलना चाहिए म्यूज़िक को महसूस करने की क्षमता अपने अंदर डेवलप करें. व्हाट डिड ही से, लेट अस रीड. डोंट लिसन थ्रू योर ईयर्स, ही वुड से, ट्राई टू सेंस इट इन सम अनदर वे. ओके, तो रॉन फोर्ब्स जो हैं, उनके टीचर थे जो थे, उन्होंने क्या कहा एवलिन को कि अपने कानों से सुनने की कोशिश मत करो, पर किसी दूसरे तरीके से म्यूज़िक को महसूस करने की कोशिश करो. ओके, व्हाट डिड ही डू, ही प्लेड द ड्रम्स. ओके, उन्होंने ड्रम्स को बजाया. व्हेन ही प्लेड द ड्रम्स, एवलिन कुड फील दैट व्हेन द बीट्स वर हाई, या द पिच वाज हाई, जब वो हाई नोट्स पर जब बजता था ड्रम, तो शी कुड फील द वाइब्रेशन ऑफ द म्यूज़िक इन द अपर पार्ट ऑफ हर बॉडी अबाउ द वेस्ट, है ना, अपनी कमर से ऊपर के हिस्से में उनको वो, जब वो ड्रम्स जब तेज़ी से बजाए जाते थे, तो उसका जो वाइब्रेशन होता है, उसका जो कंपन होता है, वो उनको महसूस होता था. एंड व्हेन द ड्रम्स वर प्लेड इन द लोअर नोट्स, शी वॉज फीलिंग द वाइब्रेशंस, या शी वॉज फीलिंग द म्यूज़िक बिलो हर वेस्ट इन द लोअर पार्ट ऑफ हर बॉडी, है ना, अपने कमर के नीचे वो वाइब्रेशंस को, उस म्यूज़िक के साउंड वेव्स को महसूस कर पा रही थी, जब जो ड्रम्स जो थे वो लो नोट्स पे या धीमे स्वर में बजाए गए. सो दिस इज़ हाउ एवलिन डिस्कवर्ड दैट शी कुड सेंस द म्यूज़िक, द नोट्स ऑफ म्यूज़िक इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ हर बॉडी. तो इस तरीके से धीमे धीमे एवलिन जो है उसको पता चला कि अपने शरीर के अलग अलग पार्ट से वो म्यूज़िक को महसूस कर सकती है ना. शी हैड लर्न टू ओपन अ माइंड एंड बॉडी टू साउंड्स एंड वाइब्रेशंस. सो आवाज़ और जो कंपन, वाइब्रेशन मतलब कंपन, हम जो आवाज़ को सुनते हैं, हम कैसे आवाज़ को सुनते हैं, द साउंड वेव्स, द वाइब्रेशन इन द साउंड वेव्स, दैट इज़ वॉट आवर ईयर कैचेज. हमारा कान जो है साउंड वेव्स में जो हैं उनके जो वाइब्रेशंस होते हैं उनको ही पिक करता है. सो एवलिन अंडरस्टूड हाउ द अदर पार्ट्स ऑफ अवर बॉडी एक्सेप्ट फॉर द ईयर्स, देर आर अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी ऑल्सो, दे कैन सेंस द वाइब्रेशंस. सो दिस इज़ हाउ शी लर्नड हाउ टू लिसन टू म्यूज़िक, हाउ टू सेंस द म्यूज़िक. एंड वॉट आर हर वॉट वर हर अचीवमेंट्स, दैट वी विल रीड नाउ रीड. ओके, सो एट बाय द एज ऑफ 16 शी हैड टूर्ड यूनाइटेड किंगडम विद अ यूथ ऑर्केस्ट्रा. सो पूरे यूनाइटेड किंगडम में 16 साल की जब उम्र में थी वो की थी वो तब ऑर्केस्ट्रा के संग वो घूम चुकी थी ना. एंड शी हैड डिसाइडेड दैट शी वुड गिव हर लाइफ, या मेक म्यूज़िक हर लाइफ. उन्होंने डिसाइड कर लिया था कि वो संगीत में ही अपना करियर जो बनाएंगी. देन शी वॉज ऑडिशन फॉर रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूज़िक एंड शी स्कोर वन ऑफ द हाइएस्ट
मार्क्स इन द हिस्ट्री ऑफ द एकेडमी। जब लेसन शुरू होता है फर्स्ट जो पैराग्राफ है वहीं हमको बताया गया था कि एट द एज ऑफ 17 शी जॉइंड द रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक। 17 साल की उम्र में उन्होंने रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक जो लंदन में है, जो एक बहुत बड़ी और नामी संस्था है, उसमें एडमिशन प्राप्त कर लिया था, उसको ज्वाइन कर लिया था। और वहाँ जब ऑडिशन हुआ तो उस एकेडमी की हिस्ट्री में इतने ज़्यादा मार्क्स किसी को भी नहीं मिले थे। उस ऑडिशन में सबसे ज़्यादा मार्क्स जो हैं एवलिन ने प्राप्त किए, एंड इट वाज वेरी आउटस्टैंडिंग। व्हाई? बिकॉज ऑल द रेस्ट ऑफ द कॉम्पिटिटर्स दे वर पीपल हु कुड हियर, है ना, जो दूसरे लोग जो ऑडिशन में थे एवलिन के साथ वो सब सुन सकते थे, पर एवलिन जो है उसके संग ये प्रॉब्लम थी कि वो सुन नहीं सकती थी। बावजूद उसके एवलिन ने सबसे ज़्यादा मार्क स्कोर किए थे। देन शी ग्रेजुअली मूव फ्रॉम ऑर्केस्ट्रल वर्क टू सोलो परफॉर्मेंस। सो व्हेन यू प्ले इन ऑन एन ऑर्केस्ट्रा, जब आप ऑर्केस्ट्रा में प्ले करते हैं तो यू प्ले इन अ ग्रुप, आप बहुत सारे दूसरे परफॉर्मर्स के साथ प्ले करते हैं। तो धीमे धीमे एवलिन जो है वो ऑर्केस्ट्रा के को छोड़कर सोलो परफॉर्मेंस, सोलो मतलब एकल प्रस्तुति जो होती है आप, है ना, अकेले बजाना, तो सोलो परफॉर्मेंस देने लग गई। एंड एट द एंड ऑफ 3 ईयर्स कोर्स शी हैड कैप्चर्ड मोस्ट ऑफ द टॉप अवार्ड्स। तो 3 ईयर्स का उनका कोर्स था रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक लंदन में, और उस 3 ईयर्स के दौरान में जितने भी बड़े अवार्ड्स थे उन सारे अवार्ड्स को एवलिन जो है प्राप्त कर चुकी थी। She got right to the top, the world's most sought after multi-percussionist with the mastery of some thousands instruments. So world के जो जाने माने multi-percussionist हैं उनमें से एक बन चुकी थी एवलिन, है ना, और उन्होंने हज़ारों जो percussion instruments को बजाने में मास्टरी या बोलना चाहिए परफेक्शन हासिल कर लिया था। okay? So the interesting thing and about Evelyn is that she functions effortlessly without hearing, है ना, बिना किसी परेशानी के बड़े आराम से वो जो हैं वाद्य यंत्र को भी बजा लेती हैं बिना सुने, और साथ ही साथ वो जो बातचीत भी करती हैं तो उसमें भी उन्हें किसी प्रकार का कोई परेशानी नहीं होती, है ना। द लेसन टेल्स अस दैट इन अ डिस्कशन दैट वेंट फॉर आवर्स शी स्पोक फ्लॉलेसली, है ना, जब कोई कुछ घंटों तक का एक डिस्कशन था म्यूजिशंस का, और उस डिस्कशन में एवलिन जो है बिना किसी रुकावट के, बिना किसी गलती के बड़े आराम से बातचीत करती रही, ऐसा लग ही नहीं रहा था कि वो सुन नहीं सकती हैं, है ना। एंड शी नोज़ फ्रेंच एंड शी नोज़ बेसिक जापनीज अपार्ट फ्रॉम अदर लैंग्वेजेस, दूसरी लैंग्वेजेस के अलावा जो है वो फ्रेंच और जापनीज जैसी लैंग्वेजेस को भी बहुत अच्छी तरीके से बोल लेती हैं। सो फॉर अ पर्सन हु कैन नॉट हियर हाउ शी कैन स्पीक सच सो मैनी लैंग्वेजेस फ्लॉलेसली, सो व्हाट डज शी टेल्स, वो क्या कहती हैं इस बारे में, वो कहती हैं कि शी डज नॉट जस्ट रीड्स द लिप्स, जो लोग बहरे होते हैं वो लोग होठों को, सामने वाले के होठों को पढ़कर समझते हैं कि सामने वाला हमसे क्या बात कर रहा है, पर एवलिन क्या कहती हैं, एवलिन कहती है कि आई जस्ट डोंट रीड द लिप्स, आई रीड द एंटायर फेस ऑफ द पर्सन, आई रीड देयर आईज, देयर चीक बोन्स, एवरीथिंग, है ना। तो एवलिन जो है सामने वाला जो व्यक्ति है उसके केवल होंठों को नहीं, उसके पूरे चेहरे को स्टडी कर समझ जाती हैं कि वो व्यक्ति क्या बोल रहा है, और इसीलिए वो बहुत अच्छी तरीके से बातचीत कर पाती हैं। और इसीलिए एक और इंटरेस्टिंग बात वो कहती हैं लेसन में कि द पीपल हु हैव बियर्ड इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर हर टू अंडरस्टैंड देम, है ना, जिन लोगों की बियर्ड होती है, दाढ़ी होती है, उनके संग बात करना या उनकी बात को समझ पाना उसके लिए मुश्किल होता है। बिकॉज शी वॉज नॉट एबल टू सी द एक्सप्रेशन ऑन द फेस, राइट। इन 1991 एवलिन वॉज प्रेजेंटेड विद रॉयल फिलहार्मोनिक सोसाइटीज प्रेस्टिजियस सोलोइस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड्स। सो नाउ what her achievements they are talking about, already we have seen that in 3 years of her course she had received many awards, many prestigious awards in the academy. And in 1991 what did she achieve, she achieved the best soloist year of the year award, na? Then there is something that is told about her by a well-known percussionist whose name is James Blades. James Blades naam ke
एक और एक बहुत अच्छे वाद्य यंत्र बजाने वाले यानी कि ड्रमर हैं, पर्कशन इंस्ट्रूमेंट्स को बजाते हैं वो। इज़ नॉट अ ड्रमर बेसिकली, ही प्लेज मैनी अदर पर्कशन इंस्ट्रूमेंट्स। एंड वॉट डज ही से अबाउट एवलिन? गॉड मे हैव टेकन अ हियरिंग बट ही हैज़ गिवन हर बैक समथिंग एक्स्ट्रॉर्डिनरी। वॉट वी हियर शी फील्स फार मोर डीपली देन एनी ऑफ अस। दैट इज़ वाई शी एक्सप्रेसेस म्यूजिक सो ब्यूटिफुली। तो जेम्स ब्लेड ने उनके विषय में क्या कहा? उन्होंने कहा कि भगवान ने उनसे उनकी सुनने की क्षमता ज़रूर ले ली है, पर उसके बदले में उन्हें कुछ असाधारण सी चीज़ दे दी है। और वो क्या है कि वो जो है, जो हम सुनते हैं उसको वो महसूस करती हैं, वो उसको फील करती हैं, और हम जितना सुनते हैं उससे ज़्यादा गहराई से वो उसको महसूस करती हैं। इसीलिए वो म्यूज़िक को इतने अच्छी तरीके से, इतने सुंदरता से अभिव्यक्त कर पाती हैं, एक्सप्रेस कर पाती हैं। नाउ एवलिन नॉट ओनली प्लेज इन कॉन्सर्ट्स बट वॉट एल्स शी डज? शी गिव्स फ्री कॉन्सर्ट्स इन प्रिजन्स एंड हॉस्पिटल्स। जो जेल हैं, जो हॉस्पिटल हैं, अस्पताल हैं, उसमें फ्री कॉन्सर्ट्स करती हैं एवलिन। शी गिव्स हाई प्रायोरिटी टू क्लासेस फॉर यंग म्यूजिशियंस। जो युवा संगीतज्ञ हैं उनके लिए जो क्लासेस हैं उनको वो ज़्यादा महत्व देती हैं। शी हैज़ ब्रॉट पर्कशन टू द फ्रंट ऑफ ऑर्केस्ट्रा। ऑर्केस्ट्रा में यूजुअली जो पर्कशन इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनका, उनसे ज़्यादा अहमियत जो है दूसरे इंस्ट्रूमेंट्स को दी जाती है, पर एवलिन ने ऑर्केस्ट्रा में पर्कशन इंस्ट्रूमेंट्स को भी बहुत बड़ा स्थान दिला दिया है। शी हैज़ गिवन इंस्पिरेशन टू दोज हु आर हैंडीकैप्ड पीपल हु लुक टू हर एंड से इफ़ शी कैन डू इट आई कैन। सो शी इज़ अ इंस्पिरेशन टू पीपल हु फेस डिसेबिलिटी लाइक हर। ना जैसे जो लोग हैं जिनके जिनके जीवन में किसी प्रकार की डिसेबिलिटी है ना, जो दिव्यांग हैं जिन हम कहते हैं, उनको, उनके लिए एक प्रेरणा का स्रोत्र हैं एवलिन। ना वो कह सकते हैं कि अगर एवलिन कर सकती है तो हम भी कुछ कर सकते हैं। सो दिस इज़ द लेसन, द शॉर्ट समरी ऑफ योर लेसन साउंड ऑफ म्यूज़िक पार्ट वन। And if you have understood it, it will help you to remember the important points that are covered in the lesson, and also it will help you to answer the questions that are asked related to this particular lesson.